हेलो विरोनिका, हेलो। मैं आज आपके लिए स्टोरेज डिवाइस के क्वेश्चन आंसर पूछूंगी। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस, जैसे हम कोई भी दाल या नमकीन या बिस्किट लेके आते हैं, उसको स्टोर करने के लिए हमें कोई बॉक्स चाहिए होता है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में या फ़ोन में जो पिक्चर्स होती हैं, वीडियोज़ होती हैं या ऑडियोज होती हैं, उसको सेव करने के लिए हम कंप्यूटर में या तो CD DVD का करते हैं, और परमानेंटली स्टोर करनी हो तो हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं। स्टोरेज डिवाइस का आज हम चैप्टर के बारे में क्वेश्चन आंसर MCQ। फाइंड आउट वन आउट डाटा इंफॉर्मेशन कमांड्स और डाटा कार्ड। डाटा कार्ड। फाइंड आउट ऑड वन आउट CD पेन ड्राइव माउस DVD। माउस, क्योंकि वो पॉइंटिंग डिवाइस है और बाकी सारे डैश इन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। CD रैम, DVD हार्ड डिस्क। रैम। फ्लॉपी डिस्क कम्स इन वेरियस साइजेस 1, 2, 3, 4। 3। अनस्क्रैम्बल द वर्ड स्टोरेज STORAGE DVD। इंग्लिश डाटा और फ्लैश का फ्लैश। नेक्स्ट इज मैच द कॉलम। पेन ड्राइव इज डिस्क ड्राइव, फ्लैश ड्राइव और स्क्वायर इन शेप या स्टोरेज डिवाइस इज फ्लैश। फ्लैश ड्राइव। सीडी कैसे होती है, एक स्टोरेज डिवाइस है कि स्क्वायर इन शेप है? स्टोरेज डिवाइस। हार्ड डिस्क है कि स्क्वायर इन साइज है? डिस्क। फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, स्क्वायर होती है। नाउ येस और ट्रू और फॉल्स, येस और नो। इंपॉर्टेंट डाटा यू सेव्ड इन स्टोरेज डिवाइस। यस। द CD इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU। कौन फिक्स होते हैं CPU के अंदर? हार्ड डिस्क। CD इज अ स्क्वायर इन शेप। CD एंड DVD आर स्पेल्ड इन C इन DISK SC। यस। डैश डिवाइसेज आर यूज टू स्टोर अवर वर्क। कौन से डिवाइसेज हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं? इनमें हॉल बॉक्स मैंने दिए, हार्ड इंफॉर्मेशन स्टोरेज और फिक्स स्टोरेज। यस। डैश डिस्क इज अ स्मॉल बॉक्स इनसाइड द CPU। CPU के अंदर क्या होता है जो स्टोरेज करके रखता है? हार्ड इंफॉर्मेशन और फिक्स्ड हार्ड डिस्क। प्रोसेस डाटा ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो प्रोसेस डाटा है उसको क्या कहते हैं? और 2 और 2 था, उसका आंसर 4 आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इंफॉर्मेशन। 2 जो 2 और 2 प्लस था वो क्या था? डाटा। और जो उसमें प्रोसेसिंग हो गई हमारी आउटपुट आई इधर इंफॉर्मेशन। हार्ड ड्राइव इज आल्सो कॉल्ड, हार्ड ड्राइव को और क्या कहते हैं? फिक्स्ड डिस्क। नेम टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी डिवाइसेस कौन से होते हैं? रैम और रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी और आर रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? सीडी और डीवीडी। मेन स्टोरेज डिवाइसेस इनसाइड द CPU। कौन सा स्टोरेज डिवाइस है CPU के अंदर लगा होता है? हार्ड डिस्क। व्हाट आर द सर्कुलर स्टोरेज डिवाइस? सर्कल करके कौन से स्टोरेज डिवाइस होते हैं? डीवीडी और सीडी। विच स्टोरेज डिवाइस कैन फिट इन अ पॉकेट? कौन सा डिवाइस? पेन ड्राइव। ये हमने बैक एक्सरसाइज करी, अब हम चैप्टर को लिखेंगे। अब स्टोरेज डिवाइसेस कैसे होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी समझाया है, जो भी हम कंप्यूटर पर राइट करते हैं उसको सेव करते हैं, पिक्चर हो गया, मूवी हो गया या सॉन्ग हो गया, उसको किस में सेव करते हैं? स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस एक हार्डवेयर होता है जो डाटा को स्टोर करता है, या तो टेम्परेरी और या परमानेंटली। टेम्परेरी क्या होता है? जो हमने भी चीज़ सेव नहीं करी, जैसे MS Paint में हम कुछ बना रहे हैं उसको हमने सेव नहीं करा, दैट इज टेम्परेरी स्टोरेज। और परमानेंटली जो हमने उसको सेव कर दिया, दैट इज कॉल्ड CPU। डाटा है सिंपली फैक्ट्स, और डाटा क्या होते हैं? सिंपली फैक्ट्स और फिगर होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन होते हैं। और स्टोरेज डिवाइस कितने तरह के होते हैं? प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज वो होते हैं जो बिल्ड इन होते हैं कंप्यूटर में, अंदर होते हैं, रैंडम, RAM और ROM। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो एक्सटर्नल हम कार्ड करते हैं, CD और डाटा कार्ड। डाटा कार्ड हम बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि फ़ोन की जो चिप फोन में पड़ता है, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, दैट इज कॉल्ड डाटा कार्ड। देन डिफरेंट
स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके क्या क्या यूजेज हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड डिस्क और हार्ड डिस्क। ये मेन स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो सीपीयू के अंदर होता है फिक्स। देन ये हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल ड्राइव है, दैट इज डाटा परमानेंट, इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क होती है, ये सबसे पहले जो होता था बॉक्सेस यूज करते, स्टोरेज डिवाइस यूज करते थे, उसको कहते हैं ऐसे स्क्वायर शेप का होता था, ये थ्री साइजेस में आता था, 8 inches, 5.5 और 3.3। आजकल फ्लॉपी डिस्क नहीं आती है, आज मोस्टली आजकल प्राइम पेन ड्राइव या जिसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं वो यूज़ करते हैं। फिर आई उसके बाद सीडी, इसमें भी क्या है टेक्स्ट हैं उसको सेव करते हैं, पिक्चर हो गया, मूवी हो गया या सॉन्ग हो गया, उसको किसमें सेव करते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस में। स्टोरेज डिवाइसेस एक हार्डवेयर होता है जो डाटा को स्टोर करता है, या तो टेम्परेरी और या परमानेंटली। टेम्परेरी क्या होता है, जो हमने भी चीज़ सेव नहीं करी, जैसे एम एस पेंट में हम कुछ बना रहे हैं उसको हमने सेव नहीं करा, दैट इज टेम्परेरी स्टोरेज। और परमानेंटली जो हमने उसको सेव कर दिया, दैट इज कॉल्ड सीपीयू। ने डाटा है सिंपली फैक्ट्स, और डाटा क्या होते हैं, सिंपली फैक्ट्स और फिगर होते हैं जो कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन होते हैं। और स्टोरेज डिवाइस कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज वो होते हैं जो बिल्ड इन होते हैं कंप्यूटर में, अंदर होते हैं रैंडम, आरएम और रोम। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो एक्सटर्नल हम कार्ड करते हैं, सीडी और डाटा कार्ड। डाटा कार्ड हम बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि फ़ोन की जो चिप फोन में पड़ता है एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड, दैट इज कॉल्ड डाटा कार्ड। देन डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, उनके क्या क्या यूजेज हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड डिस्क और हार्ड डिस्क। ये मेन स्टोरेज डिवाइस होते हैं जो सीपीयू के अंदर होता है फिक्स। देन ये हार्ड डिस्क नॉन वॉलेटाइल ड्राइव है, दैट इज डाटा परमानेंट, इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। फ्लॉपी डिस्क होती है, ये सबसे पहले जो होता था बॉक्सेस यूज करते, स्टोरेज डिवाइस यूज करते थे, उसको कहते हैं ऐसे स्क्वायर शेप का होता था, ये थ्री साइजेस में आता था, 8 inches, 5.5 और 3.3। आजकल फ्लॉपी डिस्क नहीं आती है, आज मोस्टली आजकल प्राइम पेन ड्राइव या जिसको फ्लैश ड्राइव कहते हैं वो यूज़ करते हैं। फिर आई उसके बाद सीडी, इसमें भी क्या है टेक्स्ट सेव कर सकते हैं, पिक्चर्स, सॉन्ग्स और वीडियोज। उसके बाद आई डीवीडी, डिजिटल वीडियो, ये भी होता था, इसमें पूरी कंप्लीट फिल्म, उसमें मतलब डाटाबेस एक लिमिटेड कैपेसिटी में आप सेव कर सकते थे डीवीडी में, कि अनलिमिटेड में, अनलिमिटेड नहीं, पूरी फिल्म भी इंस्टॉल कर सकते। देन इस पेन ड्राइव, ये थे हमारे इस चैप्टर की। और नेक्स्ट इज स्टोरेज, इनमें हमने कौन कौन से स्पेलिंग याद।